हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर पूर्वा हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्यों? रिटर्न्स कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए। तो मैंने कुछ स्टेप्स दिए थे, उस स्टेप्स के हिसाब से आज भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है, तो सबसे पहला आपको ईयर एंड ढूंढना है कंपनी का। कल इससे पहले हमने ये सम कंप्लीट किया था, नया सम देखते। तो यहाँ पे दिया है मीनल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2011। साल कभी खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2011। मार्च में अगर साल खत्म हो रहा है तो चालू कभी होएगा? अप्रैल में। तो हम लोग कैलेंडर अप्रैल से लेके मार्च तक का प्रिपेयर करेंगे, बराबर है कि नहीं? चलिए ठीक है, फिर कैलेंडर प्रिपेयर कर लेता हूं मैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये समझा कैलेंडर। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला ईयर एंड से कैलेंडर बना दो और उसके बाद दीवार बनाना, इंटरेस्ट की दीवार, बराबर है? तो इंटरेस्ट की दीवार देखते हैं। यहां पे इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, बराबर है? तो यहां पे इंटरेस्ट का जो डेट दिया है वो कौन सा डेट दिया है? 30 जून दिया है एंड 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, दो बार दिया हुआ, दो दिया है। चलिए ठीक है, फिर दो डेट दिया तो दो बार इंटरेस्ट की दीवार बन जाएगी। इंटरेस्ट की दीवार 30 जून, अप्रैल, मई, जून, यहां पे आएगा दीवार, ये दीवार, और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर यहां पे बनेगा दीवार। दीवार क्लियर हो गया, आया नहीं? इस साल में इसके बाद इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या? तो कितने मंथ से नीचे? 3 मंथ से। जितने भी मंथ रह गए वो अप्रैल के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ ऊपर आ जाएगा, जैन, फेब, मार्च, और जैन के ऊपर दीवार बन जाएगा। सर क्यों? क्योंकि जैन के ऊपर ही दीवार था ना, आप देखो तो दीवार इधर बना। सर ऐसा करना कंपल्सरी है? यस। क्लियर हुआ यहां तक? ऐसा मैंने बोला डबल बार रिपीट होएगा? नहीं, क्लियर है? सर अगर एक ही मंथ रहता, एक मंथ करते दीवार बनाते, दो मंथ बाकी रहता, दो मंथ लिखते और दीवार बनाते। इससे पहले था क्या पूर्वा? दिसंबर में था, ऊपर कुछ भी लिखा नहीं, डायरेक्टली दीवार बना दिया। याद आया? क्लियर यहां तक? तो आपने पहला काम किया क्या? कैलेंडर, और कैलेंडर के बाद इंटरेस्ट की दीवार। इंटरेस्ट की दीवार बनने के बाद जितना मंथ रह गया उतना कॉपी पेस्ट करके ऊपर भी दीवार बना दिया। क्यों? क्योंकि जैन के पहले दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था। डन विद दिस? पक्का? बढ़ेंगे अब क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में अब क्या करना। अब आपको कुछ नहीं, सिंपल सा प्लॉटिंग करने का, जो जो डेट दिया है उस डेट के हिसाब से। 1 अप्रैल 2010 को मीनल हैड ₹30,000, यहां पे रुपीज दिया हुआ, ₹3,12% डिबेंचर ऑफ 94 ईच, फेस वैल्यू ऑफ ₹100। मतलब 1 अप्रैल को मेरे पास डिबेंचर्स है, कभी है 1 अप्रैल, यहां पे क्या है? डिबेंचर है, मतलब बैलेंस है। कितना बैलेंस है? तो उसका नॉमिनल वैल्यू है 3 लाख, बराबर है? और एक डिबेंचर का कीमत कितना है? 100 रुपया, फेस वैल्यू तो 100 रुपया ना, तो अगर फेस वैल्यू 100 है तो कितने डिबेंचर हुए मेरे पास? 3000। ये हुआ नॉमिनल वैल्यू। और उसका कॉस्ट कितना बोला था? तो उसने क्लियरली बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2010 मीनल हैड 3 लाख का डिबेंचर 12% का, लेकिन उसका कीमत कितना था? 94, बराबर है? तो यहां पे उसका कीमत है 94, तो 3000 × 94 करो और बताओ कितना कॉस्ट आ रहा है? 2 लाख, यहां पे लिख देता हूं 2,82,000। एनी डाउट इन दिस? समझाइए राहुल, पक्का 100%? 2,82,000 कैसे आया, समझाना? 3000 × 100,
वो अमित है, तू राहुल मेरे को मालूम है, तू खाली ध्यान दे। 3000 × 94 2,82,000, और ये तो कॉस्ट दिया हुआ था, नॉमिनल वैल्यू दिया था, बराबर बराबर है। बढ़ते आगे, उसके बाद देखते क्या दिया है। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून, हो गया 1 सितंबर 2010, मीनल सोल्ड 90,000 ऑफ 12% डिबेंचर एट 95 कम इंटरेस्ट, कभी बेचा 1 सितंबर को सेल्स किया। तो भाई 1 सितंबर को यहां पे क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। कितने का सेल्स हो रहा है तो क्लियरली बोला उसने, कितने का सेल्स हुआ है देखो, 90,000 का सेल्स हो रहा है, कितने में, 95 कम इंटरेस्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा 90,000 का सेल है, 90,000 का सेल है, एक का वैल्यू कितना है, 100 रुपया, मतलब 900 डिबेंचर को बेचा, कितने में बेचा आपने 900 डिबेंचर को, देखो जरा 95 में, तो 900 × 95 85,500, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कम इंटरेस्ट, अच्छा 500 हो गया, होता है इंसान है भाई, गलती तो कर ही सकता है। अरे हाँ मैं लिख रहा हूं बेटा 85,500, ठीक है, क्लियर यहां तक, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया, आगे दिया है दिस 12% डिबेंचर वेर कोटेड एट 96 पर डिबेंचर एट अ स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 मार्च 2011, मतलब 31 मार्च को एक स्पेशल प्राइस दिया है, 31 मार्च मतलब यहां पे मार्केट प्राइस दिया है, कितना दिया है मार्केट प्राइस, देखो आपको 96 रुपीज, कैसे सर, देखो पढ़ो क्या दिया है, दर क्या दिया है, 12% डिबेंचर वेर कोटेड 96 कभी 31 मार्च को, बराबर है क्या, नहीं तो भाई हमने 31 मार्च को मार्केट प्राइस लिख दिया 96, और कुछ भी क्वेश्चन में, खत्म, डन यहां तक, अभी जो भी काम है क्वेश्चन का काम खत्म, अभी अपना काम चालू, इंटरेस्ट का कॉलम सॉल्व ध्यान से, क्योंकि पिछला सम सिंपल था, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, इसलिए जरा ध्यान से। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या देखने का है, दीवार तक कितना परसेंट इंटरेस्ट है यहाँ पे, 12%, सर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन में दिया है ना 12% डिबेंचर, मतलब 12% ब्याज चार्ज करने का साल भर का, तो ये 3 लाख के ऊपर देखो कितना महीना दिख रहा है, 1, 2, 3, तो 3 लाख का 12% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 3 लाख का 12% 3 मंथ्स के लिए कितना आ रहा है, देखो जरा कितना आ रहा है, 3 लाख × 12% कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए कितना आता है, डिवाइड बाय 12 करना रहता है ना, अरे तुम लोग एक एक पीस है यार कसम से, 3 लाख × 12% 36, ये साल भर का है, × 3 / 12, और मैंने पिछले लेक्चर में 12% का ट्रिक भी बता दिया था, तो भी वापस एक बार वापस, उस दिन मूड नहीं था सर वापस, 12% आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 3 लाख, ये 3 लाख है, कितना परसेंट है, 12%, तो 12/100 कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स × 3/12, 12 तो कट ही हो गया, तो 12 के बारे में सोचो ही मत, जितना मंथ रहेगा ना उतने मंथ से मल्टीप्लाई करो ना सीधा सीधा, ये 2020, 3000 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 9000 आएगा ना यार, अरे समझा, बस यही काम है और क्या काम था, चलिए ठीक है अब बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते आगे क्या कैलकुलेट करना है, हो गया सर, हो गया हो गया, अब आगे दीवार पे, क्योंकि इसके बाद इधर आने वाले, बट उसके पहले इंटरेस्ट की दीवार आने वाली बीच में, अगर इंटरेस्ट की दीवार बीच में आ जाती है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट, इस तारीख को जितना भी बैलेंस आपके पास होगा, जितना भी बैलेंस आपके पास होगा उस बैलेंस पे इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट होगा, तो इस तारीख को मेरे पास कितना बैलेंस है, 3 लाख, कुछ बेचा बिचा ही नहीं तो 3 लाख बैलेंस है, 3 लाख के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ में आया, तो 3 लाख का 12% कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 18,000 ही आएगा,
तीन महीने का, छह महीने का, एक ही बात हो गया। अरे समझा सर, इधर बैलेंस वगैरह कुछ कुछ नहीं लिखना है, खाली इंटरेस्ट, ये समझा। फिर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सेल्स आ गया, सेल्स कभी है फर्स्ट हफ्ते में, तो ऊपर देखो कितना मंथ दिख रहा है, दो महीना, तो इस 90,000 पे 12% कितने मंथ के लिए, टू मंथ के लिए, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 1800 बराबर है। अरे समझा, फिर बढ़ेंगे, इंटरेस्ट की दीवार फिर आ गई। इस तारीख को कितना बैलेंस है, यहां तक 3 लाख था, 90 चला गया, कितना बचा 2,10। इस तारीख को 2,10,000 है, 2,10,000 पे कितना परसेंट, 12% कितने महीने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना ना, तो 2,10,000 पे 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करो कितना आ रहा, देखो कितना, परफेक्ट 12,600। बात समझा, अरे समझा। इसके बाद एंड में आ जाएंगे, तो आखिर में मतलब जब भी लास्ट डेट होगा, इस तारीख पे आपको बैलेंस देखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा। क्या क्या नहीं समझा, ये नहीं समझा, हाँ आपको उसको उसके बारे में सोचो ही मत, वो क्यों ऊपर लिखा, क्यों ऐसा किया, वो सोचो ही मत, ये वर्किंग समझ गया ना आपको, बस नॉर्मल। वो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो ब्याज है वो हाफ ईयरली बोला है, तो देखो 6 महीना, देखो 6 महीना, एक साल में 2 बार मिलेगा ना इंटरेस्ट, ये 3 महीना आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसे, क्योंकि इसका महीने का नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, इसलिए वो ऊपर कॉपी पेस्ट होता है। डेप्थ में जा ही नहीं रहो, वर्किंग समझ लो, आपको इसके मार्क्स है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब मेरे पास बैलेंस इस तारीख को कितना है, जरा चेक करता हूँ, जरा बताओ इस तारीख को मेरे पास बैलेंस कितना है। तो इस तारीख को मेरे पास 2-3 लाख था, 90 चला गया, तो इस तारीख को मेरे पास बैलेंस है 2,10,000, ये मेरा बैलेंस है। अब इस बैलेंस का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कभी है 31 को, 1, 2, 3, तो 2,10,000 पे 12% 3 महीने के लिए कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो। अब क्या मिसिंग है, कॉस्ट, मार्केट प्राइस तो मालूम है कितना, 96, कितने डिबेंचर है देखो इस तारीख को मेरे पास, दो निकल गए, दो 2,100 × 96 = 2,10,000, ये मेरा मार्केट प्राइस है, बट मैं क्या फाइंड करने वाला हूं, कॉस्ट प्राइस। इतना समझ गया वर्किंग, ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझ में आया, डन विद दिस 100%। अब आ जाते हैं यहां पे सेकेंड वर्किंग, ये पहला वर्किंग था, पहले वर्किंग में आई होप कॉन्फिडेंस है, अभी सेकेंड वर्किंग पे जाएंगे। सेकेंड वर्किंग में सीधा है, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू इतना ही लिखना आपको। तो पहला नॉमिनल वैल्यू कितना है, देखो 3 लाख, नॉमिनल वैल्यू 3 लाख, उसका कॉस्ट कितना है 2,82,000 बराबर। फिर ये इंटरेस्ट नहीं देखना है, इधर नॉमिनल कॉस्ट ही देखना है। उसके बाद सेल्स हो रहा है, कितने का सेल्स हो रहा है भाई, 90,000 का सेल्स हो रहा है, तो यहां पे 90,000 का सेल्स हो रहा है, तो इसका कॉस्ट कितना, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, तो 2,82,000 × 90 / 3 lakhs, हाँ 84,000, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, जो सामान बेचा उसका कॉस्ट बराबर है। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आ रहा है, देखो इसमें आपको बैलेंस आ रहा है 2,10,000, 2,82,000 में 84,600 माइनस कर दो, क्या 1,00,000, ओके, क्योंकि मेरे को क्या क्या लगा ना, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जरा ध्यान दो, मेरे को मार्केट प्राइस भी मालूम है, मेरे को कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, मार्केट प्राइस 2,01,600, कॉस्ट प्राइस 1,97,400, विच एवर इज क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही होता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 2,01,600 या 1,97,400, इसका कीमत लिखूंगा मैं यहां पे 1,97,400। सेकेंड वर्किंग भी डन, इसमें कोई डाउट, वही लिखेंगे ना भाई,
एक मिनट हाँ बोल बेटा बोल। नहीं ये उम्र में होता है नॉर्मल, सदमे आते रहते। यहां तक डन है? यहां तक डन? अभी तीसरा क्या करोगे? वर्किंग नोट नंबर प्रॉफिट या लॉस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सिंपल सा हिसाब है, कॉस्ट प्राइस। भाई जो सामान बेचा उसका कॉस्ट निकाला कितना है? 84,600। सेल कितने में किया? 85,500 कम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, तो 85,500 में 1800 रुपया कम कर दो तो उसका सेल आ जाएगा 80। समझ में आया क्या? अरे समझा, चलिए ठीक है। तो भाई 84,600 का सामान 83,700 मतलब अपने के लिए लॉस है कितना? सम खत्म हो गया। सम समझाइए आपको। इधर नया पॉइंट क्या सीखने का कि जो इंटरेस्ट की दीवार पे बैलेंस का इंटरेस्ट, अब इस चीज को प्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझना है खाली। वर्किंग डन, आंसर आ गया, सब हो गया है, खाली इसे भी आपको प्रेजेंट करना है आपके सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे डेट वाइज। कॉलम तो होप सबको पता है, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट। सबसे पहला डेट वाइज जाएंगे, तो डेट वाइज जाने के लिए अप्रैल को क्या है? बैलेंस है 3 लाख का, 9,000 और 2,82,000 है नहीं, बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे, असेट होता है तो डेबिट साइड पे। तारीख क्या है इसका? 1 अप्रैल 2010। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है। कितना उसका नॉमिनल वैल्यू? 3 लाख, इंटरेस्ट 9,000। मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप सीधा लिखना, तो फिर स्टाइल मारने के लिए आपने भी लिख दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। 2,82,000, समझाइए, क्लियर? चलिए पूर्वा, उसके आगे क्या दिया देखो, उसके बाद सीधा ब्याज आ गया। अब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको ब्याज मिलने वाला है, तो आपके लिए इनकम ही है ना, है नहीं? मिलने वाला है, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इसका जर्नल एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, है नहीं? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना करने का है? 18,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में बाय कैश और बैंक अकाउंट, तारीख 30 जून 2010, इंटरेस्ट के कॉलम में कितना? 18,000। अरे समझा, क्लियर? देखो यही आपका वर्किंग था ना, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझाइए, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझा कि नहीं? नहीं क्या? हाँ, क्या नहीं समझा? ठीक है, तो फिर बोलना। अभी क्या किया? सेल्स किया। कितना सेल्स किया है? 90,000, 1800, 85,500, बराबर है। कौन सा वैल्यू है? कम इंटरेस्ट। अपने को कौन सा लिखना है? एक्स इंटरेस्ट। याद में रखना, कम इंटरेस्ट वैल्यू नहीं लिखते, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू लिखते हमेशा। सेल्स हो परचेज हो, आपको कौन सा वैल्यू लिखना है? एक्स इंटरेस्ट, और ये आपका एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, बराबर है। सेल्स किया, सेल्स किया तो पैसा, सॉरी इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। कभी 1 सितंबर को 2010 बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना सेल्स किया? 90,000। इंटरेस्ट कितना था उसके ऊपर? इंटरेस्ट कितना था? 1800, बराबर है। तो इंटरेस्ट आ गया 1800। एक्स इंटरेस्ट था तो कम इंटरेस्ट 83,500, सॉरी कम था तो एक्स इंटरेस्ट में 83। बट अपने को देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो क्या हुआ? लॉस, लॉस हुआ ना अपने को। कितने का लॉस हुआ है? 900 रुपए का, बराबर है। जब लॉस हुआ तो एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया क्या? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ? 900। अब दोनों को जरा ऐड करो, 83,700 प्लस 900 ऐड करो, इतना आएगा 84,600। आ गया बात समझ में? इस टेबल में क्रॉस चेक करने के लिए काम आ, क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको हो रहा है दीवार,
बोल, डाउट है पक्का? चलिए अभी क्या है, इंटरेस्ट की दीवार, ब्याज मिलेगा कि दोगे? मिलने वाला है, मिलेगा तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना 12,600। सर इसका तारीख तो 1 सितंबर 2010, अभी 31 दिसंबर 2010, बाय कैश और बैंक अकाउंट डैश कितना 12,600। अरे ये समझा क्या? उसके बाद बैलेंस है, तो बैलेंस में 2,10,6,300 एंड 1,974,00 बराबर है। तो बैलेंस है, तो इधर मैं बैलेंस लिख देता हूं 31 मार्च 2011 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है देखो, 2,10,006,300, 1,97,004। मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बोला था, अगर आपने ये वैल्यू लिखा है तो प्रॉब्लम टैली है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस लिखा है तो मार्केट प्राइस और इसमें जो भी डिफरेंस रहेगा उतना बैलेंस आएगा, बराबर है। अभी मैंने यही वैल्यू लिखा है मतलब प्रॉब्लम टैली हो गया है, आपको चाहिए तो आप टोटल करके चेक कर लो, यू कैन डू द टोटल। ये 3,00,000, एक मिनट, टोटल 3,00,000 सेम, यहां पे भी टोटल 3,00,000 देख लो, टोटल करके 3,00,000 आ रहा है क्या, हो गया टैली। इधर का टोटल 2,82,000 बराबर है, समझा? यही चीज अगर मार्केट प्राइस देखते तो टैली नहीं होता, डिफरेंस आ जाता। अभी कौन सा कॉलम बच गया, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में यही टोटल ज्यादा है 38,000, इधर डेबिट, सॉरी इधर, तो इधर सेम आ जाएगा 38,700, माइनस करोगे तो ये चले जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 29,700। डेट क्या है इसका, 31 मार्च 2011, हो गया सब। देखो हम इधर सॉल्यूशन ये है, ये करने में कितना टाइम गया, कुछ नहीं, अगर आपने ये वर्किंग प्रिपेयर कर लिया, ये रेडी है, तो खाली कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूं ना मैं अमाउंट, इसलिए बोल रहा हूं इस वर्किंग पे ज्यादा फोकस करो, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट्स कंसीडर करना है, ये वर्किंग करना ही है आपको, ये वर्किंग पहले प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन मैंने क्या किया, क्वेश्चन रीड किया, वर्किंग प्रिपेयर किया, सेम आपको भी करना है, सेम ऐसे वर्किंग बना दो एक पेज पे एंड देन योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मार्क्स, इसको मार्क्स नहीं है, ये आप कितना भी अच्छा बना लो इसको मार्क्स नहीं है, समझ में आया क्या? बट ये अच्छा बनाओगे तो आपके लिए अमाउंट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।